ब्रह्मभूत होने का अर्थ ये नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। भक्ति तो रहती ही है, और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर भक्त तथा भक्ति की विधि भी रहती है। ऐसा ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। मुक्ति का अर्थ है देहात्म बुद्धि किससे मुक्ति प्राप्त करना। आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर, वही व्यक्तित्व बना रहता है, लेकिन शुद्ध कृष्ण भावनामृत में विशिष्ट शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश करना। ब्रह्मवश यही नहीं सोचना चाहिए कि यह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। ऐसा नहीं है। विषय का तात्पर्य है मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करना के लिए प्रवेश कर सकता है। उदाहरणार्थ एक हरा पक्षी शुक हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वह वृक्ष से तदाकर लीन हो जाए, अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। निर्विशेषवादी सामान्यतः समुद्र में गिरने वाली तथा समुद्र से मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। वह निर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन साकारवादी एवं व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहता है जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी। यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेकानेक जीव मिलते हैं। केवल समुद्र के ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है, समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों की भी जानकारी रखना आवश्यक है। भगवत गीता 18.55। मायावती केवल ज्योति देखते हैं। कंटिन्यू करने बोलिए। नहीं, यहाँ तक चर्चा करते हैं। वही ब्रह्म ज्योति इत्यादि चीजों के विषय में जो चर्चा हो रही है उसी के विषय में चर्चा अभी कर रहे हैं। यहाँ पर कौन वैकुंठ धाम में प्रवेश करते हैं करके बताए जा रहे हैं। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान से पूर्णतया अवगत है वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। भगवान कृष्ण विषय में तत्वतः अवगत होनी चाहिए। जो व्यक्ति तत्वतः अवगत है कृष्ण के विषय में वही व्यक्ति अंत में भगवत धाम में वापस जा सकेगा। क्योंकि जिनको पता नहीं कृष्ण के विषय में अगर वो चले भी जाए भगवत धाम में, मान लीजिए जबरदस्ती उनको भेज भी दिया जाए, उनको वहां पर शौक के ऊपर शौक लगेगी, उनको लगे अरे ये कहा आ गया, ये क्या हो रहे हैं, उनको कुछ मतलब समझ में नहीं आएगी वहां पर। तो इसलिए भगवान में जाते हैं कि पहले से ही आप तैयारी करके आओ, पहले ही अवगत हो जाइए यहाँ पर क्या होती है क्या नहीं। देखिए मतलब अवगत होने का मतलब ये नहीं कि जैसा कई बार लोग पूछते हैं वैकुंठ धाम या आध्यात्मिक दृष्टि के विषय में अनेक बातें पूछते हैं, मतलब तत्वतः अवगत होनी चाहिए बस उतना ही हमें, क्योंकि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग तो किसी को भी नहीं मिल पाएगी कभी भी, चाहे कृष्ण के विषय में हो आध्यात्मिक दृष्टि के विषय में हो। आध्यात्मिक दृष्टि के विषय में मतलब उतनी ही बातें हमें पता चलेगी जितने बातें हमें अशास्त्र में बताई गई है, बट तत्वतः हमें समझना होगा आध्यात्म दृष्टि क्या होता है। मतलब तत्वतः मतलब आध्यात्म दृष्टि नश्वर नहीं है, बल्कि भौतिक दृष्टि जो है वो नश्वर है। यहाँ पर भूंगते भूंगते प्रलीयते होता है, वहां पर तो शाश्वत रूप से वैकुंठ धाम विराजमान है और वहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि का प्रभाव नहीं होता है या होता ही नहीं है, और यहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि होता है, और यहाँ पर तीन गुणों काल के प्रभाव से तीन गुण कार्य करती है, और तीन गुणों के प्रभाव के कारण फिर हमारे जीवन में ये तीन प्रकार का क्लेश होता है,
वेराज वहां पर काल का प्रभाव भी नहीं है, भौतिक काल काल होता ही नहीं है वहां पर, इसलिए भविष्यत वर्तमान मतलब भविष्यत और क्या कहते हैं पास्ट, पास्ट और फ्यूचर होता नहीं, केवल वर्तमान ही होता है, प्रेजेंट ही चलता है। तो प्रेजेंट चलने के कारण तो फिर वहां पर काल का प्रभाव नहीं होने के कारण फिर तीन गुणों को, तीन गुण भी नहीं है, तीन गुण नहीं होते फिर तीन ताप भी नहीं है। और कई बार लोग सोचते हैं मतलब यहाँ पर तीन गुणों के प्रभाव के कारण भौतिक सृष्टि में अनेक प्रकार की विविधता आप देख सकते हैं, वैरायटी। तो फिर लोग सोचते हैं कि अच्छा तीन गुण फिर वहां नहीं है तो फिर वहां पर वैरायटी नहीं होगा फिर, क्योंकि यहाँ पर वैरायटी का कारण ये तीन गुण है, और तीन गुण नहीं होने के कारण फिर वहां पर वैरायटी नहीं होगा लोग सोचते हैं। बट ऐसा नहीं कि वहां पर वैरायटी नहीं होता है, बल्कि वहां पर भी वैरायटी है, वहां पर वैरायटी है, क्योंकि तीन गुणों का आध्यात्मिक पैरेलल, क्या मतलब आध्यात्मिक पैरेलल है, जो आध्यात्मिक दृष्टि में वहां पर संदिनी संवित और आह्लादनी शक्तियां है। यही शक्तियां जब भौतिक दुनिया में तीन तीन गुणों में कार्य करती है, बट वहां पर संदिनी संवित और आह्लादनी शक्तियां है ही, तो उसके बाद वहां पर वैरायटी है। बिकॉज वैरायटी इज द मदर मदर ऑफ एंजॉयमेंट। भगवान स्वयं भोक्ता राम एक तपजाम है, भोक्ता है, और वैसा भोक्ता भगवान है, उनको वैरायटी तो जरूरत पड़ती है ना, फिर वैरायटी चाहिए, बल्कि यहाँ से ज्यादा वैरायटी आपको वहां मिलेगी। यहाँ से ज्यादा वैरायटी वहां पर मिलेगी, चाहे संगीत के रूप में हो, चाहे खाना भोग के रूप में हो, किसी भी प्रकार से तो वहां पर ज्यादा वैरायटी होगा। जैसे यहाँ पर मतलब किसी माता से भी पूछो, मतलब मुश्किल से मुश्किल 100 प्रकार की वैरायटी बना पाएगी, या अगर इतना ही बना पाएगी ज्यादा से ज्यादा, अगर गूगल चला लेगी तो देन फिर काफी कुछ हो सकेगी, बट हम नॉर्मल बता रहे हैं। बट वहां पर तो हजारों लाखों की संख्या में होता है भोग की वैरायटी जो राधारानी बनाती है। तो वैसे वैसे कहा जाती है, एक बार जो बनाती फिर दोबारा नहीं बनाती राधा रानी, कुछ ना कुछ फिर उसमें परिवर्तन होते ही है। तो फिर आप सोचो फिर कितने भोग जानती है राधा रानी, फिर उतना बनाती है तो उतना वैरायटी है वहां पर। तो इस प्रकार से ये सारे तत्व है, ये क्लियर होनी चाहिए, बाकी वहां पर कई बार लोग पूछते हैं वहां पर क्या दिन रात होता है, यानी या नहीं, तो वहां पर शेर होता है, यानी या कुछ कुछ इसी प्रकार का अजीब सा अजीब से प्रश्न पूछते रहते हैं। बट अब वहां पर शेर हो या ना हो, आपको क्या मतलब है? वॉट इज इट टू डू विथ योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस? उससे कोई मतलब नहीं है ना, तो इसलिए फिर वैसे प्रश्नों को कोई मतलब नहीं है, रहकर हमें तत्वतः जानना चाहिए, क्योंकि जो जो पॉइंट्स हमने बताए, अगर ये पॉइंट्स नहीं है देन फिर वहां पर आध्यात्मिक दृष्टि में जाकर भी कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए इन विषयों के बारे में जानना है, इसलिए इन विषयों के बारे में जानना, बिकॉज ये जो फैक्ट्स है जो हमने बताई, तो ये एक्चुअली डिफरेंशिएट करेगी भौतिक दृष्टि का आध्यात्मिक, वही हमें मोटिवेशन देगी, नहीं मुझे आध्यात्मिक दृष्टि में जाना है, तो वहां पर तीन गुण नहीं है, तीन गुण प्रभावित होकर इस प्रकार के तीन ताप मुझे नहीं मिलेगा, वहां पर काल नहीं है, इसलिए चीजें
काल होने से फिर क्या होता है कि टाइम टाइम इज द सुप्रीम डिस्ट्रॉयर। इस भगवान कहते हैं ना, सारा संहार करने वालों में ऐसे मैं समय हूं करके, क्योंकि समय, क्योंकि कोई कोई किसी को मार सकते हैं, कोई किसी और को मार सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि रावण देवताओं को हरा पाए, बट रावण को भी हरा सके वाली, या सहस्र सहस्र बाहु अर्जुन, तूने हरा दिया रावण को। तो उस प्रकार से हमेशा भौतिक दुनिया में कोई ना कोई बेहतर वाला मिल ही जाएगा। रूपा जी जब बता दे कि इन मेटेरियल वर्ल्ड यू विल ऑलवेज फाइंड समबडी इंफीरियर टू यू एंड समबडी सुपीरियर टू यू। हमेशा इस भौतिक दुनिया में हमसे इंफीरियर भी मिलेगा, हमसे सुपीरियर भी मिलेगा। ये भौतिक दुनिया है। उस प्रकार से रावण देवताओं को हरा सका और फिर रावण को भी हराया वाले ने, तो उस प्रकार से उनसे भी शक्तिशाली है। बट सभी लोगों में से भी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो कि सभी ही लोगों को चाहे हिरण्यकश्यप हो, रावण हो, कोई जितना बड़ा असुर भी क्यों न हो, देवता हो, कोई भी क्यों न हो, ब्रह्मा जी तक भी, सभी लोगों को हराने की या हराने की शक्ति काल में है। एक छोटे से एप्पल से लेकर ब्रह्मा जी तक सभी लोग काल के अधीन है। काल के माध्यम से भगवान सभी को कंट्रोल कर रहे हैं। एप्पल भी आप वैसे टेबल पर रख देंगे तो फिर कुछ समय के बाद सड़ जाती है, तो वैसे ही ब्रह्मा जी भी 100 साल तक जिएंगे, फिर 100 साल के बाद फिर उन्हें भी निकलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से काल के रूप में भगवान सभी लोगों को नियंत्रण में रखते हैं। टाइम सुप्रीमो डिस्ट्रॉयर, तो वैसा समय वहां पर भौतिक प्रकार समय नहीं होने के कारण फिर वहां पर किसी भी प्रकार का वो इनहिलेशन नहीं होता, डिस्ट्रक्शन नहीं होता किसी भी चीज की। इसका मतलब ये है कि अगर वहां पर एप्पल आप मतलब फूल की माला वहां पर रख देंगे, हमारे यहाँ पर तो क्या होता है, एक दो दिन में सूख जाएगी फिर पूरा, फिर उसके बाद सड़ जाएगी, फिर बिल्कुल वो ये हो जाएगी, सूख जाएगी बिल्कुल। वहां पर तो सूखने वाला नहीं है, वहां पर हमेशा फ्रेश रहेगी। ये समझ आप, वहां पर कुछ भी चीज है वो सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगी समय पर, क्योंकि समय की प्रभावी नहीं है वहां पर। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टि है। तो इसलिए वैसा तत्वतः जो जानते हैं वही व्यक्ति ही वहां पर जा पाएगा। और जैसे फिर आगे बताए जा रहे, वैसे तो हम ब्रह्म ज्योति के विषय में काफी कुछ चर्चा किए ही थे पिछले बार भी। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। मुक्ति का अर्थ देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति का अर्थ है देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना, देहात्म बॉडीली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, अपने आप को शरीर मानना या शरीर रूप में स्वीकार करना, ये देहात्म बुद्धि है। क्योंकि जब हम देहात्म बुद्धि में रहते हैं फिर हमारा कार्य भी उसी देहात्म बुद्धि से प्रभावित होकर ही होता है। इसलिए देहात्म बुद्धि से, इसलिए मतलब हमारा वैष्णवता में मुक्ति का डेफिनेशन यह है कि हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितः। हित्वा अन्यथा रूपम, बाकी सारे रूपों को छोड़कर, मतलब बाकी सारे रूपों को छोड़ने का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बाकी सारे उपाधियों को छोड़े, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम,
उस प्रकार से सारे उपाधियों को छोड़ के हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिता, अपने जो स्वरूप उपाधि है उसमें स्थित होना। हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, कृष्ण के नित्यदास, ये हमारा स्वरूप है। उस स्वरूप में स्थित होना यही मुक्ति है। इसलिए एक बार प्रभुपाद जी कहते रहते कि ऑल माय डिवोटीज आर ऑलरेडी लिबरेटेड, मेरे सारे भक्त लोग ऑलरेडी मुक्ति पा ही चुके हैं, इसका मतलब आप सभी लोग मुक्त हैं। जो जो सेवा नहीं कर रहे फिर वो तो नहीं, जो सेवा कर रहे उनकी बातें की जा रही है। पर जो कृष्णदास की उपाधि को ग्रहण करके फिर उस उपाधि की अनुसार फिर वो जो हमेशा सेवा में लगे हैं भगवान की सेवा में, चाहे कथा कीर्तन के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से या अनेक प्रकार की सेवाओं के माध्यम से क्यों ना हो, तो इस प्रकार से जो हमेशा सेवा में लगे वो तो ऑलरेडी मुक्त है। उनको अलग से कोई मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। तो ये बात समझनी चाहिए। तो कई बार जब एकाकार होने की बातें की जाती है शास्त्रों में, तो वैष्णव सिद्धांतों के अनुसार एकाकार होने का मतलब क्या है? जैसा मायावादी, वो तो जब एकाकार की बात करते हैं, एकाकार का मतलब ये है उनको, उनके लिए कि ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, भगवान के शरीर में समा जाना, तो उस प्रकार से उनकी एकाकार के मतलब होता है। बट हमारे लिए एकाकार के मतलब क्या होता है? हमारे लिए एकाकार का मतलब यह है टू बिकम वन इन डिजायर, वन इन ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या कहेंगे, इच्छा में एकत्व इच्छा में है। इसका मतलब हमारा भगवान की इच्छा और गुरु की इच्छा के सिवा कुछ और, दूसरा कुछ और नहीं रहता। जो भी हमारा गुरु और भगवान चाहते हैं वही मेरा इच्छा है, तो इसको एकत्व या एकाकार कहा जाता है। हमारा दूसरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहता हमारे जीवन को लेकर। जो भगवान ने हमें ऑब्जेक्टिव दिया है, जो लक्ष्य भगवान ने हमें दिया है, वही मेरा जीवन के लक्ष्य है, वही मेरा ऑब्जेक्टिव है। इस प्रकार से जो भी इस प्रकार से स्वीकार करते हैं, इसका मतलब यही है कि एकाकार होना। ठीक है, मतलब हमेशा ये आप डिफरेंस देखेंगे मायावादी में, भक्तों में, कि उनको जो कुछ भी कहा जाए वो हमेशा स्थूल रूप से सोचने लगते हैं। उनके लिए एकाकार मतलब फिर तुरंत मतलब स्थूल रूप से मिल जाने से कुछ। भक्तों के केस में कई सूक्ष्म स्तर के भी बातें होती है, जैसे यहाँ पर हमने बताया वैष्णव सिद्धांत के अनुसार एकाकार होने का मतलब है टू बिकम वन इन डिजायर, भगवान में, भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा को मिला देना, ये समझते हुए कि भगवान आपने जो इच्छा की है वही मेरा जीवन का लक्ष्य है, मेरा कोई अपना कोई एजेंडा नहीं है, आप जो भी इच्छा करेंगे वही मेरा इच्छा है। उसी प्रकार से गुरु के साथ तो ये एकाकार होता है। ब्रह्मवश यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है, ऐसा नहीं है। विषते का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने
व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश करता है कर सकता है। पिशते तद अनंतरम, जैसा श्लोक हम बताइए हैं, उसके बाद पिशते मतलब वो प्रवेश करता है। तो मायावती लोग इस शब्द का अर्थ यह कहते हैं कि मतलब फिर भगवान में एकाकार हो गया करके, विषते मतलब भगवान में एकाकार हो गया। बट यहाँ पर विषते का वैष्णव सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार कहा जाता है कि भगवत धाम में प्रवेश की है, उनकी भक्त कभी भी अपने अस्तित्व को खोना नहीं चाहेगा, अपने व्यक्तिगत अस्तित्व जो होता है उसको खोना नहीं चाहेगा। क्योंकि व्यक्तिगत अस्तित्व को खोने का मतलब है भगवान की सेवा करने का मौका को खो जाना, मौका खो जाना। क्योंकि व्यक्तिगत अस्तित्व रहेगा तभी तो आप भगवान की सेवा कर पाओगे, अगर व्यक्तिगत अस्तित्व भी खत्म है तो फिर सेवा क्या कर पाओगे। इसलिए फिर वैसा अस्तित्व को बनाकर रखने का मतलब रखना चाहेगा एक बार। हम मतलब वैष्णवता के हिसाब से इस प्रकार से ब्रह्मज्योति में विलीन हो जाए मतलब एक प्रकार की स्पिरिचुअल सुइसाइड की बराबर है, आध्यात्मिक आत्महत्या के बराबर है। पर वहां पर मतलब वो सेवा के मौका नहीं मिलता है, भक्त उस प्रकार की सेवा को छोड़कर वो जी भी नहीं पाएगा, इसलिए फिर उनके लिए एक स्पिरिचुअल की तरह है। इसलिए एक भक्त हमेशा अपना व्यक्तिगत अस्तित्व को बनाकर रखना चाहेगा और उस प्रकार के व्यक्तिगत अस्तित्व को बनाकर रखने में फिर उन्हें भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है। इसलिए हम जब भगवत धाम में वापस जाते हैं तो वहां पर भी हमारे अस्तित्व है एंड फिर उस स्वरूप में स्थित होकर भगवान की सेवा हम करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो ये होता है। ऐसा कभी भी असलियत में कहा था, कभी भी लगता है कि अस्तित्व खत्म हो गया करके, बट होता नहीं है उस प्रकार। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है, एक हरा रंग की जो थोता, अगर कोई हरा रंग की पेड़ में प्रवेश करती है तो फिर तोता की तोता दिखता तो नहीं है। जब आप उस पेड़ की ओर देखेंगे फिर वहां पर आपको ये हरे रंग की तोता तो अलग से एक्सप्लिसिटली दिखाई नहीं पड़ती है। बट प्रश्न ये है कि वो तोता की अस्तित्व खत्म हो गया या अभी भी है? अभी भी है ना, खत्म थोड़ी हुआ। हमें अनुभव नहीं हो रही है, महसूस नहीं हो रहा दूर से जब हम देखते हैं, बट उनकी अस्तित्व खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो तोता उस हरे रंग के पेड़ में है, बट वो कलर डिफरेंस नहीं पता होने के कारण पता नहीं चलता बस। वो लोग उसी प्रकार से कह देते, अच्छा फिर दिख नहीं रहते, इसका मतलब वो तो मतलब तोता मतलब समा गई, पेड़ में समा गई है। पेड़ में थोड़ी समा गई है, पेड़ में कैसे समा जाएगी, बल्कि तोता तक अस्तित्व हमेशा है ही अलग से। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्योति में भी अगर व्यक्ति प्रवेश कर भी जाता है फिर भी अस्तित्व खत्म नहीं होता है, फिर भी अस्तित्व खत्म नहीं होता है। जैसा मायावादी लोग अक्सर ये उदाहरण देते हैं कि अक्सर ये उदाहरण देते कि जैसा अनेक प्रकार का नदियां है, सारे नदी आकर कहाँ मिलती है, समुद्र में मिल जाती है ना, नदी आकर समुद्र में मिल जाती है। एक बार नदी आकर समुद्र में मिल जाने के बाद क्या उस नदी का अस्तित्व रहता है? नदी का अस्तित्व कहाँ रहता है? नहीं रहेगी ना, मिल गई फिर अंदर, तो अंदर मिल गए तो फिर आप समझ ही नहीं पाओगे ये समुद्र की पानी, यमुना नदी की पानी, गंगा नदी की पानी, पता नहीं पाओगे ना। तो मिल गया,
तो वो लोग यही उदाहरण देते हैं कि देखिए जिस प्रकार से नदियां जो है समुद्र में जाकर मिल जाने के बाद उसकी अस्तित्व खत्म हो जाती है, उसी प्रकार से हम जीव ब्रह्म ज्योति में जाने के बाद हमारा अस्तित्व खत्म हो जाती है। तो लॉजिकल है ना। देन फिर इसके समाधान हमारे आचार्य इस प्रकार से कहते हैं, देखिए हम नदी नहीं है बल्कि नदी के अंदर रहने वाले जलचर हैं। हम नदी नहीं है, नदी के अंदर रहने वाले जलचर हैं हम। और फिर वैसा नदी जैसे मान लीजिए यमुना नदी जाकर मिल गई अभी समुद्र में, तो फिर ये सारा जलचर क्या हुआ, क्या उसके अस्तित्व तो खत्म हो गया? नहीं ना, बल्कि वो उस पानी में ही समुद्र में भी क्यों ना हो फिर वहां पर भी रहेगी ना। जलचर खत्म नहीं हुआ, पानी समागी पर जलचर के अस्तित्व तो वैसे के वैसे ही है। तो इस प्रकार से हमारी तुलना नदी से नहीं करनी चाहिए बल्कि नदी के अंदर रहने वाले जलचरों से करनी चाहिए। जलचर के अस्तित्व जिस प्रकार से समुद्र में मिल जाने के बाद भी रहता है, उसी प्रकार से अगर कोई जीव ब्रह्म ज्योति में पहुंच जाने के बाद भी उस जीव की अस्तित्व हमेशा बना रहता है। तो ये उदाहरण हमारे आचार्य देते हैं। यस, एक और पैराग्राफ। मायावादी केवल ज्योति देखते हैं जो निर्विशेष है, वे और कुछ नहीं देख पाते हैं। हम यहाँ वायुयान को उड़ते हुए देखते हैं, पर कुछ समय बाद वह सूर्य की तेज रोशनी के कारण हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। वायुयान अभी भी है पर हम उसे नहीं देख पाते। इसी प्रकार यदि हम केवल दैदिप्यमान ब्रह्म ज्योति को ही देखें तो हम उसके भीतर नहीं देख पाएंगे। इसलिए ईशोपनिषद का एक मंत्र भगवान से प्रार्थना करता है कि वे अपनी ज्योति को हटा लें जिससे भगवान को ठीक से देखा जा सके। कुंती महारानी की शिक्षा है 25। चर्चा करें अध्यात्म जगत में जाने के बाद जीवों का क्या होता है। तीनों उदाहरण विस्तार से समझाइए, हरा पक्षी, वायुयान और नदी। आगे पढ़ना गुरु जी। नहीं, वायुयान मतलब एरोप्लेन है। यस प्रभु जी। ऑयल हो जाता मतलब। हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है, ओझल। ओझल, ओझल हाँ, मतलब इनविजिबल, अच्छा हमारी दृष्टि से इनविजिबल हो जाता है। डिसअपीयर भी बोल सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जैसा कह रहे हैं ना, मायावादियों को केवल ज्योति ज्योति दिखाई पड़ता है, फिर ज्योति के परे क्या है उनको समझ में नहीं आता है। जैसे कई बार रात के समय जब आप ट्रेन देखने जाओगे तो ट्रेन की फ्लडलाइट इतना तेज होता है कि कई बार उस प्रकाश के पीछे ट्रेन दिखाई नहीं पड़ती है, मतलब इतना रोशनी आता है ना उससे। फिर वो प्रकाश जब हमारे आंखों में ग्लेयर करता है देन फिर हमें उस कांति के पीछे जो ट्रेन है वो असलियत में दिखाई ही नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से मायावादियों के भी आंखों में ब्रह्म ज्योति का ग्लेयर है, तो फिर उसकी वजह से उनको उस ब्रह्म ज्योति के पीछे क्या है उनको पता नहीं चलता। इसलिए वो इस प्रकार के कंक्लूड कर देते हैं कि इसका परे कुछ है ही नहीं, इसके परे कुछ है नहीं करके वो कंक्लूड कर देते हैं। बट असलियत में उस कांति के पीछे ट्रेन है, उसी प्रकार से ब्रह्म ज्योति के पीछे भी कोई व्यक्ति है जिनके शरीर से ये सारा कांति निकल रहा है।
इसलिए ब्रह्म मतलब इसी विषय में ही हम कई बार बता चुके हैं, ईशोपनिषद के अंतर्गत बताया जाता है हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यम स्थापितम हिमुखम। वहां पर भक्त प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपकी शरीर से निकला हुआ कांति हमें आपकी सुंदर मुख के दर्शन करने नहीं दे रही है, तो इसलिए थोड़ा सा आप अपना कांति को हटा दीजिए ताकि मैं आपके मुख का दर्शन कर सकूं। तो वहां पर भी इस प्रकार से इसी प्रकार का खत्म शायद बाइबल में या कुरान में कहीं मिलता है, जहां पर शायद मोहम्मद प्रॉफिट को वगैरह की याद नहीं आ रहे, उनको जब साक्षात्कार होता है सत्य परम सत्य की, देन फिर उन्हें भी इसी प्रकार से केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ता है, केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ता है। उस समय भी इसी प्रकार का जो ईशोपनिषद के अंतर्गत प्रार्थना है उसी प्रकार का समवॉट सिमिलर प्रार्थना करते हैं। आप शरीर से इतना प्रकाश निकल मतलब आप मतलब ये प्रकाश इतना आ रही कि उसकी वजह से मैं उसके पीछे क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ करके वो बताते हैं, बट इसके पीछे कुछ है करके, तो ये भी एक प्रमाण है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लीजिए। अत्यधिक परिश्रम और पैसे खर्च करके आप 3000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा सकते हैं, पर यदि आपके पास आश्रय नहीं है तो आपको वापस यही रूस या अमेरिका ही आना पड़ेगा। उन्होंने प्रयास किया पर उन्हें आश्रय नहीं मिला। इसी तरह कोई यह समझ सकता है कि वे आत्मा है और वे आध्यात्मिक प्रकाश ब्रह्म में रहने का अधिक प्रयास अथक प्रयास कर सकते हैं। हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म में रहूंगा, पर क्योंकि वह व्यक्ति है इसलिए ऐसी निर्विशेष अवस्था में उसे कोई लाभ नहीं होगा, और क्योंकि उसके पास परम भगवान के सगुण रूप का कोई अंदाज नहीं है इसलिए वह कृष्ण के शरणागत नहीं हो पाएगा। स्वाभाविक रूप से वह फिर इसी भौतिक जगत में आकर भौतिक विषय वस्तु का शरण लेगा। कभी वह परोपकार के कर्मों में लग जाता है, ये सोचता है ये सबसे अच्छी सेवा है। केवल अपनी सेवा करने से अच्छा मैं पूरी मानवता की, पूरे समाज की, पूरे देश की सेवा करता हूँ, इत्यादि इत्यादि। पर यह सब असत धर्म है, सत धर्म नहीं है। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 21:06। चर्चा करें, ब्रह्म ज्योति में कोई लंबे समय तक क्यों नहीं रह सकता? अंतरिक्ष की यात्रा का उदाहरण दीजिए। जा सकते हैं, पर यदि आप आपके पास आश्रय नहीं है तो आपको वापस नहीं, यही उस यात्रा में लिखा। तो ये बहुत बड़ा बात है कि जब व्यक्ति ब्रह्म ज्योति पहुंचते हैं तो उसी प्रकार से उनको उनके पास कोई आश्रय नहीं है, आशा नहीं है, इसलिए फिर वो व्यक्ति नहीं रुक पाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी लेकर निकले हैं, बट कब तक आप गाड़ी चलाते रहोगे? कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो रुकना ही होगा ना, इधर आपको रोकना पड़ेगा नहीं तो गाड़ी रुक जाएगी, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, गाड़ी खराब हो जाएगी, फिर रुकना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे? देन फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आश्रय ढूंढना ही पड़ेगा रहने के लिए, रुकने के लिए। बहुत ज्यादा समय हम गाड़ी गाड़ी में ही रुक नहीं सकेंगे। ये तो केवल पृथ्वी की बात क्या कहे, मतलब अगर कोई अंतरिक्ष में आप चले जाए फिर अंतरिक्ष में कहाँ रुकेंगे, कितना समय तक तो घूमते रहेंगे? तो उस प्रकार से आश्रय का जरूरत है ही। एंड मुख्य रूप से जो हमें भागवतों के अंदर बताए जाते हैं, आरूप कृत्यन प्रथम पदम पदम पतंति अधः, जब व्यक्ति ब्रह्म ज्योति में पहुंच जाता है उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता, कार्यशील नहीं होता, बट आत्मा क्या है? क्रियाशील है। और वहां पर जाने के बाद उस प्रकार की क्रियाशीलता पे एक प्रकार की
प्रतिबंध ये सब रेगुलेशन हो जाता है, मतलब ये सेवा नहीं होता है ना, सेवा आप नहीं कर पाओगे, क्रियाशीलता का व्यक्तिकरण ही सेवा है। फिर वैसा सेवा नहीं होता है, सेवा नहीं होने के कारण हमें आनंद नहीं मिलता है। आनंद नहीं मिलने के कारण व्यक्ति वहां पर बहुत ज्यादा समय तक रुक नहीं पाएगा, बिकॉज आनंद चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जीव का नेचर आनंदमय अभ्यासात, जीव का स्वरूप ही इस प्रकार से हमेशा आनंद में रहना। वैसा आनंद उनको ब्रह्मज्योति में नहीं मिलने के कारण फिर उस आनंद की खोज में फिर वो वापस भौतिक दुनिया में आएगा। फिर भौतिक दुनिया में आकर फिर यहाँ पर कुछ उन्हें आनंद प्रदान करने वाले कुछ ऐसा कार्य करना ही पड़ेगा, अल्टीमेटली वो क्रियाशील हो ही गई। फिर तब वो इस प्रकार के कुछ हॉस्पिटल खोल देगा, या कुछ खाना वाना खिला देगा, कुछ कपड़े वपड़े बांट देगा, तो इस प्रकार के कार्य करके फिर वहां से वो आनंद लेगा लोगों की सेवा करके, फिर उसी को ही वो परम मानने लगते हैं। बट अल्टीमेटली ये सिद्धि नहीं है ना, बल्कि असलियत में जब हम भगवान की से भक्ति का प्रचार करेंगे और लोगों को भक्ति में लगाएंगे, वो असली सेवा है। एंड उस प्रकार की सेवा ना करके इस प्रकार की धार्मिक कृत्यों को करने में लग जाता है, फिर वहां पर भी वो फिर वही है कि फिर भौतिक कार्य ही कार्य में ही लग गया, देन फिर दोबारा वो कर्म बनाएगा, फिर वो कर्मों को दोबारा जेलना जेलने के लिए वापस आना पड़ेगा, तो ये सारा चक्कर वापस शुरू हो जाता है। तो इसलिए व्यक्ति ब्रह्मज्योति में पहुंच भी जाए फिर भी कोई फायदा नहीं। यस, तो आगे पढ़ दीजिए। दूसरा वर्ड और दूसरा वर्ड वे ये सोचते हैं कि ओ मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए इतना कष्ट है, चलो हम इंद्रियों का नियंत्रण करें। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ठीक शंकराचार्य जैसे मायावादी की भांति वे कहते हैं कि संसार मिथ्या है, जगत निरर्थक है, केवल ब्रह्म परम ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म वही सत्य है। ये भी एक तरह की इंद्र तृप्ति है, ये बड़ी इंद्र तृप्ति है, क्योंकि वे मायावादी दार्शनिक वे परम पुरुष में अपने अस्तित्व को मिला देना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हिटलर, चर्चिल, रूजवेल्ट बनकर उनकी उनकी इंद्रियां अधिक तृप्त नहीं हुई। अब वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, अब मुझे परम बनने दो। ये भी एक तरह की इंद्र तृप्ति है। भगवद गीता प्रवचन 3.6-10। तो इस प्रकार से जैसे ब्रह्म में एकाकार होने की इच्छा भी एक बहुत बड़ा इंद्र तृप्ति है, क्योंकि अल्टीमेटली इंद्र तृप्ति का मतलब है सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी, अपने आप को केंद्र में रखते हुए की गई कार्य, अपने इंद्रियों को केंद्र में रखते हुए। तो यहाँ पर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को छोड़ने का भी क्यों सोच रहे हैं, वो भी आत्म केंद्र मतलब अपने आप को अपने इंद्रिय तृप्ति को केंद्र में रखते हुए। तो मतलब जैसा कि अच्छा इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास ही मेरा दुख के कारण है, और वैसा अगर दुख से मुझे निवृत्ति पानी है, देन इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास को छोड़कर मुझे मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो स्वयं अपने आप को दुख से बचाने के लिए ही वो मुक्ति पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहां पर भी केंद्र क्या है, भगवान नहीं है, भगवान की सेवा के लिए वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने आप को दुख से बचाने के लिए मुक्ति चाहते हैं, अपने आप को दुख से बचाने के लिए वो मुक्ति कर पाने का प्रयास कर। तो इस प्रकार के प्रयास भी जो है, फिर ये भी एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति हुआ ना। बाकी सभी लोग छोटे मोटे साधनों के माध्यम से वो अपना दुख को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, कोई गर्मी के समय एसी चलाकर, कोई ठंडी के समय हीटर चला के, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन लगाकर, इस प्रकार से छोटे छोटे साधनों के द्वारा दुख से अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बट ये अभी क्या कर रहे हैं, ये मायावादी
ये सबसे बड़ा साधन को ही लगा दे रहा है अपने, ताकि फिर सारे ही प्रकार के दुख खत्म हो जाए। सबसे बड़ा साधन को लगा, तो जिस प्रकार से एक भौतिक व्यक्ति भी अपने आप को वैसा दुख से बचाने के लिए छोटे छोटे साधन को उपयोग कर रहे, ये व्यक्ति उसी प्रकार से अपने आप को दुख से बचाने के लिए सबसे बड़ा साधन का प्रयोग कर रहे हैं। वो कौन सा साधन है? इस प्रकार से ब्रह्म ज्योति, अगर ब्रह्म ज्योति में अगर मैं समा जाऊंगा और उस प्रकार से मैं मुक्ति पा लूंगा, देन फिर सारे दुख से ही मैं बच जाऊंगा, सारे दुख से ही बच जाऊंगा। तो इस प्रकार से उनका भी एक एक प्रकार की इंद्र तृप्ति ही है होगी। इसलिए हम वैष्णवता में ये बात सिखाई जाता है कि आसक्ति और विरक्ति दोनों ही एक ही सिक्के का दो पहलू है। आसक्ति विरक्ति, तो वहां पर मायावाद में उन्हें व्यक्ति को विरक्त बनाने का प्रयास किया जाता है। आसक्ति आसक्ति को छुड़वाने की मतलब है विरक्त बनाने का प्रयास। बट वैष्णवता में क्या सिखाया जाता है, हमें आसक्ति और विरक्ति दोनों के परे उठना है। आसक्ति और विरक्ति दोनों के परे उठना है, तो इस प्रकार से हमें सिखाया जाता है। क्योंकि आसक्ति विरक्ति दोनों ही एक ही सिक्का का पहलू का मतलब, सिक्का वो कौन सा है जिसकी दोनों ये है? वो सिक्का ये है कि इंद्रिय भोग है। अभी तक मुझे ये इंद्रिय भोग में साथ दे रही है, तो फिर उसके प्रति मैं आसक्त, तभी उसका भोग कर करके मैं बहुत पक चुका हूं, इसलिए मैं अपने आप को खुश रखने के लिए मैं उसे त्याग दूंगा। तो इस प्रकार से दोनों का केंद्र क्या है, मैं जब छोड़ भी रहा हूं, किस लिए छोड़ रहा हूं, मैं अपने आप को सुखी बनाने, जब ले भी रहा था तब भी मैं अपने आप को सुखी बनाने के लिए ले रहा था। तो इस प्रकार से मोटिवेशन दोनों के लिए एक ही था, अपने आप को सुखी बनाने के लिए। इसलिए यहाँ पर ये दोनों एक ही सिक्के का दो साइड के रूप में वर्णन किया जाता है, समझ आया? तो उस प्रकार से है। तो वैसा परमेश्वर मतलब ब्रह्म ज्योति में समा जाना, ये भी एक ये है इंद्र तृप्ति है। ठीक है, लास्ट पर अच्छा, ये चैप्टर तो लगभग खत्म हो रहे हैं ना, तो खत्म कर ही दीजिए। जी, चर्चा करें ब्रह्म ज्योति में मिल जाना चाहने वाले व्यक्ति का क्या प्रयोजन होता है। भगवत गीता 6.47 में तीन प्रकार के आध्यात्मवादियों का तुलनात्मक विवेचन किया गया है। ये है निराकार ब्रह्म के उपासक ज्ञानी, परमात्मा स्वरूप के उपासक योगी तथा भगवान श्री कृष्ण के भक्त भक्त। वहाँ कहा गया है कि जो ज्ञानी है अर्थात जिन्होंने वैदिक दान का अनुशीलन किया है, वे सामान्य सकाम कर्मियों से बेहतर है, लेकिन योगी इनसे भी बेहतर है। इन सब योगियों में से जो पूरी शक्ति से भगवान की निरंतर सेवा करते हैं वे सर्वोच्च हैं। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि एक दार्शनिक विचारक एक श्रमिक से बेहतर है और एक योगी एक विचारक से बेहतर है, और सभी योगियों में से वे योगी जो भक्ति योग का पालन करता है और निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है सर्वश्रेष्ठ है। ईशोपनिषद में हमें इस पूर्णता का पथ दर्शाती है। ईशोपनिषद 15। चर्चा करें मनुष्यों के चार प्रकार कौन से, उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है। लास्ट वाला ही पढ़ दें प्रोजी। नहीं, वो अलग ही है ना। जी प्रोजी, तो इसमें वैसे आप लोग काफी समय तो इसमें नहीं है, ज्ञानी योगी और भक्त। जो ज्ञानी मतलब जो दार्शनिक है, फिलोसोफर है, जो फिलोसफी वगैरह जानते हैं, तो वैसे फिलोसफी और मजबूत करने के लिए वो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, अपने फिलोसफी को मजबूत करने के लिए, बस उसके लिए वो अपने ज्ञान के अभ्यास करते हैं। वही योगी फिर कुछ प्रैक्टिकल तौर पर कुछ करने लगते हैं,
मतलब फिर योग की अभ्यास होने लगते हैं, अष्टांग योग इत्यादि, प्राणायाम या सारे चीज, यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारण समाधि, तो इन अष्टांग योग के अभ्यास करते हैं वो, तो प्रैक्टिकल तौर पर कुछ करते हैं ध्यान वान लगाने की, एंड फिर अल्टीमेटली जो भक्त जो होता है तो वो भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर ये इस श्लोका के संदर्भ में कहा जा रहा है, योगी नाम अपि सर्वेषां मत गतेनांतर आत्मनः, ये 6.47 श्लोक है, छठवा अध्याय की 47 श्लोक है भगवद गीता, छठवा अध्याय की आखिर श्लोक है। जैसा आप सुने ही होंगे पहले से अध्यायों में, हम भगवद गीता के विषय में तो बता ही रहे, भगवद गीता 3 भागों में विभाजन किया जाता है, पहले से अध्याय, बीच का से अध्याय और आखिर से अध्याय। बीच के से अध्याय में भक्ति के विषय में वर्णन आता है, और पहले से अध्याय में कर्मियों के विषय में चर्चा होती है। बट वैसे कर्मियों के विषय में भी अष्टांग योग, ज्ञान योग तीनों के विषय में चर्चा होती है, बट ज्यादातर कर्म के विषय में चर्चा होती है। और वैसा इन सारे अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग, इन तीनों के बारे में भी चर्चा करने के उपरांत छठवा अध्याय तो अष्टांग योग के विषय में चर्चा है। तो इन तीनों के विषय में चर्चा करने के उपरांत फाइनली भगवान ये श्लोक बताते हैं 6.47, कंक्लूड करते हुए, तीनों की चर्चा कंक्लूड करते हुए ये श्लोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योगी नाम अपि सर्वेषां, सारा योगियों में कौन सर्वश्रेष्ठ, कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, उस प्रकार से सारा योगियों में कौन सर्वश्रेष्ठ योगी है, इसके विषय में कहा जा रहा है। योगी नाम अपि सर्वेषां, सारे योगियों में कौन श्रेष्ठ है? मत गतेनांतर आत्मनः, जो व्यक्ति मत गतेनांतर अंतर है, मतलब अंदर अंदर ही अंदर हमेशा जो मेरा चिंतन कर सकता है, हमेशा निरंतर रूप से मेरा चिंतन कर पाता है, वो योगी श्रेष्ठ है। मत गतेनांतर आत्मनः, तो इस प्रकार से जो हमेशा मेरा चिंतन कर पाता है वो योगी श्रेष्ठ है सभी योगों में से। उस प्रकार से भक्ति योगी का श्रेष्ठता वहां पर भगवान, भक्ति योग जो 7वां अध्याय से जो चर्चा होगी, 7वां अध्याय से भक्ति योग के विषय में चर्चा करने के पूर्व भक्ति योग की श्रेष्ठता को इस श्लोक के माध्यम से वहां पर स्थापित कर रहे हैं, फिर उसके बाद भक्ति योग के विषय में चर्चा करनी होगा। तो ऐसा 7वां अध्याय की या आखिरी श्लोक है। तो क्योंकि भक्ति योग में क्या है कि स्वाभाविक रूप से व्यक्ति भगवान का चिंतन बहुत सहज रूप से कर सकते हैं। इस प्रकार से उद्धव जी उठो करते हैं कि सारे योग में सर्वश्रेष्ठों गोपिया है, मतलब वो गोपिया गोपिया करके वो बताते हैं, मतलब क्योंकि वैसे तो गोपिया कभी ध्यानवान तो नहीं लगाई, कभी ध्यान ध्यान में बैठा हो कोई पेड़ के नीचे, कोई गोपी तो नहीं दिखाई पड़े आपको, वृंदावन कई बार गए आप लोग तो वैसा गोपी नहीं दिखाई पड़ती, बल्कि गोपिया उद्धव जी से कहते हैं कि हम तो बहुत प्रयास कर रहे हैं भगवान को भूलने का, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं भगवान को भूलने का, बट फिर भी भूल नहीं पा रहे हैं। कितना भी मन हम भगवान से हटाने का प्रयास करें फिर भी हट नहीं रहा है, ये उनकी स्थिति है। योगी मुनि लोग तो हजारों लाखों साल तक तपस्या करके भगवान की स्मरण लाने का प्रयास करते, ये लोग तो स्मरण भूलने का प्रयास कर बट भूल नहीं पा रहे, तो ये स्थिति उनकी है। तो उस प्रकार से गोपिया सर्वश्रेष्ठ योगी है, जो कि इस प्रकार से भगवान की सेवा में जो हमेशा लगी, तो बहुत सहज रूप से उनकी चिंतन होती है। जैसे उदाहरण के लिए कि माँ को अपने बच्चों के ऊपर क्या ध्यान करने के लिए उनको ध्यान योग के अभ्यास करना पड़ता है, 1 घंटा मेडिटेशन करो तब ध्यान लगेगी बच्चे को, ऐसा नहीं ना, सुबह से लेकर रात तक वही ध्यान रहता बच्चे,
क्योंकि सुबह से लेकर रात तक उन्हीं का सेवा में लगे हैं, कभी खाना बनाओ, कभी वो, कभी उनको कपड़ा दो, या कभी कुछ भी इस प्रकार से उन्हीं का सेवा में लगे हैं, तो फिर सेवा के साथ साथ उनके ध्यान तो चल ही रहा है। अच्छा ये इनकी कपड़े हैं, अच्छा ये अभी इनको खिलाना है, इनको खिलाने के लिए क्या बनाऊं, तो यही होता है। तो फिर ये तो चिंतन हो ही रहे हैं ना, स्मरण तो हो ही रहा है स्वाभाविक रूप से ना। फिर माँ को तो कभी इस प्रकार से ध्यान मुद्रा में बैठकर बच्चों के चिंतन करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी प्रकार से भक्तों को भी क्या उस ध्यान लगाए चिंतन कर, सुबह से लेकर रात तक भगवान के सेवा में लगे हैं, भगवान के नाम को प्रचार करने में, भगवान के नाम लेने में, कीर्तन करने में, उस प्रकार से। लेकिन फिर सेवा के माध्यम से सहज रूप से भगवान की उपस्थिति में है, तभी हम उस दिन पढ़ रहे थे ना भागवत में, तो बच गया था। इंटेंस सर्विस, वन कैन फील द प्रेजेंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, हम भगवान की उपस्थिति का हम अनुभव कर सकते हैं तीव्र सेवा के माध्यम से। वो तीव्र सेवा तीव्र जप हो सकता है, तीव्र कीर्तन हो सकता है, तीव्रता से भगवान की अन्य सेवाएं भी हो सकती है, शिव विग्रह पूजा हो या प्रचार की सेवा हो। उस तीव्रता के साथ जो भी आप सेवा करेंगे करेंगे उस तीव्रता के सहित उस सेवा में आपको भगवान की उपस्थिति का अनुभूति होती है, और उस प्रकार की अनुभूति हमेशा वो शाश्वत समय के लिए हमारा स्मरण रहेगा। इसलिए भक्त सर्वश्रेष्ठ योगी है करके आपको बताएगा। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए, तो समाप्त कर। अपने उठिए। अपने आप अनम्यूट कर लीजिए। प्रचार सत्र। ज्ञान और दया से प्रेरित होकर भक्त प्रचार करते हैं। जब शरीर का कोई भाग रुग्ण हो जाता होता है तो पूरा शरीर उस भाग की रखवाली करता है। इसी प्रकार भक्तों द्वारा समस्त पद जीवों पर दया करना भक्ति की एक आत्मकता प्रकट करता है। भगवत गीता 5.18 कहती है, पंडिता समदर्शिना, अर्थात जो विद्वान है प्रत्येक बद्ध जीव को समभाव से देखते हैं, वे प्रत्येक जीव पर दया करने वाले हैं, अतः उन्हें उपराक्त बुद्धि कहते हैं, अपराक्त बुद्धि कहते हैं, क्योंकि भक्तगण विद्वान होते हैं और जानते हैं कि जीवात्मा परमेश्वर का अभिन्न अंश है, अतः वे प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं जिससे वे सुखी रह सके। यदि शरीर का कोई भी भाग रुग्ण होता है तो सारे शरीर का ध्यान उसकी ओर लगा रहता है। इसी प्रकार से भक्तगण किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो कृष्ण को भूल बैठा है और फलस्वरूप भौतिक चेतना से खोया है ध्यान रखते हैं। भक्त की समान दृष्टि इसी में है कि वे समस्त जीवात्माओं को भगवान के धाम जाने में सहायता पहुंचाता है। श्रीमद् भागवतम 4.753। भक्तों की समान दृष्टि, ये पढ़ रहे था मैं, ये बात याद आया। 11 स्कंद में एक जगह पर बहुत एक विचित्र वाक्य लिखे हैं, वहां पर भगवान की परमात्मा का स्वरूप की वर्णन करते हुए लिखा जाता है कि तात्पर्य में लिख रहे थे कि इस प्रकार से भगवान सारे ही जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में वास करते हैं, चाहे वो असुर भी क्यों ना हो, चाहे भगवान को गाली भी क्यों नहीं दे रहे हो, फिर भी भगवान उनके साथ रहते हैं, और उस प्रकार से हजारों लाखों साल तक भी उनके लिए उनके साथ रहते हुए उनका निरीक्षण करते हैं, चाहे किसी भी योनि में चले भी जाए, फिर भी जीव के साथ साथ परमात्मा के रूप में भगवान रहते हैं, करके वहां पर वर्णन करते हैं। देन फिर लिखते हैं कि इस प्रकार की समानता से कृष्ण क्यों रह पा रहे, इस प्रकार की समान दृष्टि क्यों हो पा रहे हैं, तो वहां पर लिखते हैं कि
बिकॉज कृष्णा इज सुप्रीमली कृष्णा कॉन्शियस. क्योंकि कृष्ण सुप्रीमली कृष्णा कॉन्शियस, भगवान ही भगवान भगवत चेतना में है. करती उसके कारण भगवान सभी को समान दृष्टि से देख पा रही. तो वैसा तो भक्तों को, भक्तों के इसमें जब समान दृष्टि से देखने का मतलब यह होता है, समान रूप से आप ट्रीट भी नहीं कर पाओगे सभी को समान रूप से. ये व्यवहारिक रूप से होता भी नहीं, चाहे आप कितना भी कहो फिर भी जो अपने घर वाले हैं या अपने बच्चे हैं तो फिर एक प्रकार की वो स्पेशल अटेंशन तो होता ही है ना. जितना भी कहे प्रभु जी समान दृष्टि होनी चाहिए, सभी लोग समान है, ये भी समान है, वो भी समान है, इस प्रकार कितना भी कहो फिर भी अपने बच्चे हैं तो कुछ स्पेशल अटेंशन होता है. ऐसा नहीं कि आप हर बार ही सभी लोगों को सारा आस पड़ोस में चॉकलेट बांटने, चॉकलेट ले आओ. कभी बर्थडे पे बांट देंगे बट हर बार जब लाएंगे अपने ही बच्चों के लिए लाते हैं ना, तो उस प्रकार के स्पेशल अटेंशन तो होता है सहज रूप से. देन फिर समानता किस बात की है, देन समानता कैसे संभव है. इसलिए समानता एक भौतिक दृष्टिकोण से नहीं है, बल्कि समानता का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को, चाहे अपने बच्चे हो या अपने अपने घर वाले हो, कोई और भी क्यों ना हो, सभी लोगों को भगवान से जोड़ने का हम प्रयास करते हैं. बिकॉज देखिए देखिए शारीरिक स्तर पर तो डिफरेंसेस तो है ही है ना, डिफरेंसेस तो है ही, जो उस शारीरिक स्तर पर तो डिफरेंसेस होंगे ही. बिकॉज फिर जन्म कहाँ हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, क्या है, आधार पर शारीरिक स्तर पर डिफरेंसेस होंगे ही, तो फिर उसे हम एक्नॉलेज करेंगे ही. ऐसा नहीं कि सभी को एक समान दृष्टि से देखने का मतलब ये नहीं करेंगे कि हम सांप को डाइनिंग टेबल में बिठा कर दूध पिला रहे, ऐसा तो नहीं होता ना. रोजी मैं सांप को भी मैं अपने बच्चों के समान दृष्टि से देखता हूँ, मैं बच्चे को भी मैं दूध पिलाता हूँ, और फिर मैं सांप को भी वही बगल वाला चेयर पर बिठा कर डाइनिंग टेबल में दूध पिलाऊंगा, तो ये तो नहीं होगा. बल्कि फिर समान दृष्टि का मतलब ये नहीं होता, ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहता. बट कई बार लोग इस प्रकार से ही मानने लगते, इसी प्रकार से शारीरिक स्तर पर लोगों को समान दृष्टि पे लाने का प्रयास करते हैं. जैसा कि उदाहरण के लिए जो आज के समय पे जो देखा जाता है, इक्वल राइट्स, वुमेन लिबरेशन मूवमेंट, स्त्रियों का आजादी दो, या मतलब स्त्रियों को भी इक्वल राइट्स होनी चाहिए. उसी प्रकार से कई बार कैस्टिज्म के संदर्भ में हम कहते हैं अरे शूद्र ब्राह्मण सभी लोग समान हैं, अमीर गरीब सभी समान हैं. तो उस प्रकार से आप जबरदस्ती चीजों की इक्वेट करने का प्रयास करेंगे तो समाज में उत्पात बन जाएगी. एंड वही तो आज हो रहे हैं, जैसे वुमेन लिबरेशन के मूवमेंट में कितना प्रॉब्लम हो रही है, सारा समाज सारा उथल पुथल हो गया. और किसी प्रकार का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि चीजों में वो डिफरेंशिएशन नहीं होने के कारण देन फिर सारा समाज अभी उथल पुथल हो गया, क्योंकि फिर कोई वर्णाश्रम ही नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो रहे हैं. तो उस इसलिए जब शारीरिक स्तर पर तो डिफरेंसेस
ही, और डिफरेंसेस को हमें एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा। स्त्री को स्त्री की तरह ही देखना पड़ेगा, पुरुष पुरुष ही है, स्त्री पुरुष दोनों एक नहीं है, स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है। उसी प्रकार से शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सभी लोगों में भिन्नता है ही, बट एकता किसमें है, एकत्व किसमें है? एकत्व इस बात से है कि चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, सभी एक आत्मा है। स्पिरिचुअल लेवल पर एकत्व है, शारीरिक स्तर पर भिन्नता है। स्पिरिचुअल लेवल पर एकत्व या एक एक होने का मतलब ये सभी आत्मा है। तो आत्मा होने के नाते स्पिरिचुअल स्तर पे हमें उस एकत्व या एक प्रकार की ट्रीटमेंट देना चाहिए। फिर वो एक प्रकार के ट्रीटमेंट क्या है स्पिरिचुअल सोल के लिए, आत्मा के लिए? एक प्रकार का ट्रीटमेंट मतलब यही है कि सभी लोगों को भगवान से जोड़ने का मौका दे, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी, कोई भी क्यों ना हो, सभी लोगों को भगवान से जोड़ने का मौका दे। इस बात से एकत्व होनी चाहिए। बाकी बातों में आप जबरदस्ती दोनों की इक्वेट करने का प्रयास करेंगे तो फिर यही प्रॉब्लम आएगी। आप चाहे कितना भी जबरदस्त करोगे, क्या 1 इक्वल टू 2 हो जाएगी? वन इक्वल टू टू हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि दोनों में भिन्नत्व है ही। 1 कभी 2 से वो समानता नहीं है, 1 1 ही है, 2 2 ही है। बट अभी समाज क्या कर रहे हैं, 1 इक्वल टू 2 करने का प्रयास कर रही है। देन फिर उसकी वजह से आगे का जितना भी आप उस सिद्धांत के आधार पर जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे वो सारा गड़बड़ हो जाएगी। तो यही हम, तो इसलिए सभी को समान दृष्टि से देखने का मतलब है, किसी भी प्रकार के अंतर ना देखते हुए सभी लोगों को भगवान से जोड़ने का प्रयास करनी चाहिए, सभी को प्रचार करनी चाहिए। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी क्यों ना हो, सभी को भक्ति से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। यही समानता है, उस प्रकार के समान दृष्टि के साथ हमें प्रचार करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ समाप्त कर देते हैं। कोई बात चर्चा की। किसी कोई प्रश्न है तो एक बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, हरे अरे कृष्णा। अरे यस यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट प्रभु जी, काफी डिटेल में आपने प्रभु जी ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी। एक छोटा सा क्वेश्चन था प्रभु जी कि ये जो स्पिरिचुअल सुसाइड जो टर्म है, ये मायावादी, टोटली मायावादी कंसेप्ट है, ये इसका शास्त्र में मतलब कुछ है बताया गया, या सिर्फ उन्हीं के द्वारा इसको प्रोपोगेट करा ये जाता है? ईशोपनिषद में शब्द है आत्महा, आत्महा करके एक शब्द है, उसी का निर्वचन है, उसी का अर्थ है स्पिरिचुअल सुसाइड, आत्मा को मार देना, आत्महा मतलब वहां से ये सर शब्द प्रभु, लेकिन ये कंसेप्ट वहां पे तो कंसेप्ट प्रभु जी मतलब किलर ऑफ द सोल वैष्णव फिलोसफी मतलब तो उसको तो अलग चीज कहते हैं ना प्रभु जी? जैसे वैष्णव फिलोसफी में तो किलर ऑफ द सोल मतलब ये हुआ ना प्रभु कि अपना इग्नोर करना अपने स्पिरिचुअल पाथ को, बट उन वो जो मायावादी कंसेप्ट में जो बताते हैं प्रभु कि स्पिरिचुअल सुसाइड मतलब कि एग्जिस्टेंस ऑफ सोल ही खत्म हो जाए, तो ऐसा कुछ कंसेप्ट तो शास्त्र में नहीं बताया गया ना प्रभु? जैसे हमारे जो मर्जिंग भी है मतलब यही है कि वो मर्ज होके भी वो सिर्फ ब्रह्म ज्योति में मर्ज होता है, बट भगवान में विलीन होना ये चीज जो है वो तो मतलब कंप्लीटली मायावादी कंसेप्ट है, या ये चीज कहीं बताया गया शास्त्र में? ये था नहीं, उसी आत्मा शब्द का ही तो मतलब ये भी एक निर्वचन है, तो इस प्रकार से ब्रह्म ज्योति मिलने का भी वह तात्पर्य में एक बार पढ़ेंगे तो कुछ क्लियर होगा। मतलब कई मतलब प्रभुपाद यूज करते कहीं पर, इस बार में भी सर्च करने पे पता चल जाएगी कहाँ पर ये शब्द उपयोग किया। अच्छा, मतलब बेसिकली प्रभु जी यही है कि ऐसा क्वेश्चन जो प्रभु की मतलब ऐसा
सिर्फ मायावादी कंसेप्ट में ये होता है कि मर्ज, मतलब मर्ज जो वैष्णव फिलोसफी में मर्ज का मतलब कि वो हमेशा सेपरेट तो रहता है, ये चीज हम तो यही मान के चलते हैं ना कि कभी, बट उनमें ये चीज है कि उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है, ये चीज तो मतलब शास्त्र में नहीं बताया गया ना, शास्त्र मतलब ये मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पर कहा जा रहा है उस वजह से ना। यस यस, अंडरस्टैंडिंग जो है वो शब्द को लेकर मिलने का वो स्पिरिचुअल सोर्स है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू प्रोजी। और किसी को प्रश्न? ठीक है, नहीं है तो मूव कर सकते हैं। आज वैसे विशेष एकादशी शायद आप सभी लोग सुने होंगे, त्रिस्पर्श एकादशी है, क्योंकि तीन तिथियां एक ही दिन में आ रही है, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी, तीनों एक ही दिन में आ रहे हैं, इसलिए त्रिस्पर्श एकादशी है, बहुत विशेष एकादशी कहा जाता है, विशेष योग कहा जाता है। तो वैसे एकादशी काफी बिरला ही इस प्रकार से आता है, जैसा पिछले बार जैसा कुंभ हुआ ना 2013 में, 144 ईयर्स के बाद एक बार आता है वैसा कुंभ, उसी प्रकार से ये एकादशी भी काफी सालों के बाद ही आता है बताया जाता है। जैसा आज सुबह जपा टॉक में भी कुछ बता रहे थे कृष्ण, तो आप लोग सुने होंगे, जैसे मैसेजेस भी काफी सर्कुलेट हो रहे इसके विषय में, तो इसलिए आज का दिन सभी लोग प्रयास करिए ज्यादा से ज्यादा नाम जप करने का, श्रवण कीर्तन पठन करने का, और बाकी अन्य काम कम से कम करें। ठहर आप कल के लिए पोस्टपोन कर दीजिए कुछ इस तरह से, ताकि आज का दिन ज्यादा से ज्यादा समय आपको इसमें दे सके। आप कुछ आप अनम्यूट कर सकते हैं मुझे, बोलिए। हरे कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्णा जी। वो जैसे आप स्टार्टिंग में बताए कि भगवान के पास जाने के लिए हमें तैयारी करनी होती है, उनकी सेवा वगैरह ये सब की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो हम उनके पास जाके उनकी सेवा अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मैंने सुना है, अच्छे से पता नहीं है मुझे, कंफर्म नहीं है, कि बोलते हैं कि कोई अगर एक इंसान सर जाता है तो उसकी पिछली सात पीढ़ियां अगली वो भी सर जाती हैं, तो अगर ऐसा है तो उन्होंने तो ऐसी कोई तैयारी पहले से करनी होती, फिर वो कैसे वहां जाके सेवा करते हैं। सही है, ये वैसा सही बात आपने कहा, क्योंकि प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान कहते हैं बात। आप ज्यादा 21 मीडिया थर जाएगी करके, यहाँ पर ऐसा समझना चाहिए कि क्योंकि अल्टीमेटली ये बात तो सच है कि प्रेम जागृत किए बिना भगवद्धाम में प्रवेश नहीं होगा, प्रेम जागृत करना पड़ेगा किसी भी प्रकार से, है ना। बाकी करने का मतलब, बिकॉज अनेक प्रकार का मुक्तियां भी है, जैसे असुरों को भी जब भगवान मारते हैं देन उन्हें विशेष प्रकार की मुक्ति मिलता है, तब भी कहा जाते वो भगवान उनको तारण कर रहे हैं करके असुरों को, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो असुर लोग जो है भगवद्धाम में पहुंच जा रहे, उनको तारण हो रहे बट भगवद्धाम में नहीं पहुंच रहे। उसी प्रकार से जब 21 पीढ़ियों को भी तारण होता है, ऐसा नहीं कि वो सभी लोग भगवद्धाम पहुंच जाएंगे करके, बल्कि उनको एक विशेष स्थान मिल सकता है, वो भी मुक्ति है, वो भी मुक्ति के एक प्रकार है, क्योंकि अनेक प्रकार की मुक्तियां है ना, उनमें से एक प्रकार की मुक्ति उन्हें मिल जाएगी, बट भगवद्धाम में जाने का तो नहीं होगा, उनका अल्टीमेट
धाम में जाने के लिए प्रेम विकसित करना ही होगा, समझा है ना। ठीक है, सभी लोग धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद, आपके जिन भक्तों ने प्रश्न पूछे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे आज हम लोगों ने सीखा कि ब्रह्म मायावाद दर्शन और निराकार ब्रह्म ज्योति किस तरीके से समझना चाहिए इन चीज़ों को, तो प्रभु जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इन चीज़ों के लिए। प्रभु जी बहुत हेक्टिक शेड्यूल है आज का, फिर भी प्रभु जी इतना कॉपरेट किए, तो प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के हम लोग सभी धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।